शेखर सिंह धामी जी के से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करते हुए हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विभिन्न विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण अवसर पर इनके मार्गदर्शन में और निर्देशन में बहुत सारी योजनाएं आज गतिमान हैं और पूरी हो रही हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान CDS जनरल अनिल चौहान जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DG BR रघु जी, ब्रिगेडियर अमन आनंद जी एवं सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोपाल राम टंटा जी, हमारे जिलाध्यक्ष मैकुरी जी एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, आए हुए सभी अतिथिगण, सेना के सभी अधिकारीगण, BRO के सभी अधिकारीगण, सभी सैनिक जवान, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला, मैं जानता हूं कि राजनीति में उनके जैसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष और भारत की वर्तमान जो अगर राजनीति में कहूं तो राजनीति में आजाद सिंधु जिनको कहते हैं वो हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन सभी को, हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रघु जी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से बता रहे थे, मुझे भी समय समय पर BRO के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करते हैं। BRO देश के सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और विशेषकर से हमारे जैसे राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं, एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना BRO के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। BRO का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। मेरा मानना है कि निर्माण ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा ऐसी भावना से प्रेरित हो। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में लगातार